सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं धातु रूप के विषय में। धातु रूप चैप्टर बहुत ही इजी है, बहुत ही आसानी से आपको सारे लकार समझ में आने वाले हैं यहाँ पर, और एक ट्रिक के माध्यम से आप सभी के सभी पांचों के पांचों लकारों को बहुत आसानी से याद कर पाएंगे। आज मैं वो ट्रिक आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो दोस्तों, जिन भी प्रशिक्षुओं को इस चैप्टर में जरा सी भी दिक्कत थी, आज ये वीडियो देखने के बाद आप लोग की सारी समस्याएं हल हो जाएंगी, और बहुत ही आसानी से अगर इससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। और ये भी 100% श्योर है कि इस चैप्टर से क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में आपके। तो ये जो धातु रूप चैप्टर है, इसको आप लोग अच्छे से आज पढ़ लीजिए, और सभी को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको समझाऊंगी और ट्रिक भी बताऊंगी कैसे आसानी से आप सभी को याद रख सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, अपने कॉलेज फ्रेंड्स को भी जरूर इसको शेयर कर दीजिए, जिससे अधिक से अधिक आपके फ्रेंड्स इस वीडियो से जुड़ करके इस वीडियो का लाभ ले सके। दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले धातु रूप क्या होता है? जिन शब्दों से कार्य के होने या करने का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। आपको पता है कोई भी काम हम करते हैं तो उसे उस काम को करने को ही हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को ही हम धातु कहते हैं, यानी कि अगर देखा जाए तो संस्कृत में हम क्रिया को ही धातु के नाम से जानते हैं। जैसे कि देखना, खाना, पीना, सोना, उठना, बैठना, ये सभी क्या है? क्रिया है। और क्रिया के ही मूल रूप को धातु कहते हैं, यानी कि याद रखिएगा जहां पे आपको धातु शब्द मिले इसका मतलब आप क्रिया के विषय में ही पढ़ रहे हो, इंग्लिश में अगर कहा जाए तो वर्ब के विषय में, ठीक है। अब देखिए, लकार विभिन्न कालों तथा अवस्थाओं को लकार कहा जाता है। काल तथा अवस्था भेद से संस्कृत में 10 लकार माने जाते हैं, परंतु पाठ्यक्रम में केवल निम्नलिखित 5 प्रमुख लकार निर्धारित है जो निम्न प्रकार है। यानी कि जो लकार है अगर देखा जाए संस्कृत में कितने होते हैं? टोटल 10 होते हैं। एग्जाम में अगर आएगा तो आपको 10 ही लगाने हैं, लेकिन आपके पाठ्यक्रम में कितने हैं? केवल 5 हैं, तो याद रखिएगा। और ये विभिन्न काल अवस्थाओं को बताते हैं, यानी कि अगर देखा जाए तो इंग्लिश में हम जिसे टेंस कहते हैं उसे हम संस्कृत में क्या कहते हैं? लकार कहते हैं, ठीक है। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, यही सब तो है, तो इसे हम संस्कृत में क्या कहते हैं? लकार कहते हैं, याद रखिएगा आप लोग। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कौन कौन सी लकार हमें पढ़ना है। लट लकार, लट लकार का मतलब होता है वर्तमान काल। लट मतलब वर्तमान, क के नीचे हलंत है, और लकार मतलब काल, लंग मतलब भूत, और लकार मतलब काल, यानी कि भूतकाल, जो चीजें बीत चुकी हैं उसके विषय में जब हम पढ़ेंगे तो भूतकाल का प्रयोग करेंगे, जिसे हम कहते हैं लंग लकार संस्कृत में। और जो वर्तमान में चीजें घट रही हैं हमारे साथ वो होगा लट लकार में। फिर लिट लकार, जो भविष्य में होने वाली चीजें हैं उन्हें हम लिट लकार के अंतर्गत रखेंगे। आज्ञा वर्धक या आज्ञा सूचक शब्दों का जहां पर प्रयोग होगा वहां पर हम लोट लकार का प्रयोग करेंगे, क्योंकि जो हमसे बड़े लोग होते हैं वो हमें क्या देते हैं? आज्ञा देते हैं, तो हमें किसी की आज्ञा प्राप्त होती है किसमें? लोट लकार में। और विधिलिंग लकार में इसमें चाहिए के अर्थ में इसका जो अर्थ निकलता है वो चाहिए के अर्थ में निकलता है। तो याद रखिएगा आप लोग इन पांचों लकारों को, क्योंकि सभी से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। और चलिए, हम इस पूरे चैप्टर को बहुत ही आसानी से पढ़ने जा रहे हैं, और इतनी बातें आपको याद रखना है कि जो लट लकार होता है उसे हम वर्तमान काल कहते हैं, जो लंग लकार होता है उसे हम भूतकाल कहते हैं। कभी कभी एग्जाम में यही पूछ लेता है कि जो लंग लकार होता है इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, या फिर भूतकाल को हम संस्कृत में क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा, इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको अच्छे से उसको करके ही आना है, क्योंकि ये बहुत ही आसानी से आपको 1 से 2 नंबर दिला देते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन। तो चलिए, अब हम शुरू करते हैं वो ट्रिक जिससे आसानी से आप इस पूरे चैप्टर को पढ़ सकते हैं, कंप्लीटली समझ सकते हैं। सबसे पहले लट लकार की ही बात करेंगे हम। तो लट लकार, अब देखिए, इसे हम वर्तमान काल कहते हैं, तो इसकी जो ट्रिक है वही आपको केवल समझनी है। वैसे मैक्सिमम बच्चों को जो लट लकार है वो याद ही होता है, तो यहां पर आप ध्यान से देखिए दोस्तों, आपको याद क्या रखना है कि जो वचन होता है, वचन एक वचन, द्विवचन, वचन, बहुवचन, आपको पता है कि संस्कृत में कितने वचन होते हैं? संस्कृत में 3 वचन होते हैं, जबकि हिंदी में केवल 2 ही होते हैं, एक वचन और बहुवचन, जबकि संस्कृत में 3 होते हैं। एक वचन जब एक व्यक्ति की बात होगी तो एक वचन, जब 2 व्यक्ति आपको दिखेंगे तो द्विवचन, और 2 से अधिक होंगे तब बहुवचन लगता है, याद रखिएगा आप लोग। और प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष,
तो दोस्तों यहाँ पर ये जो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष लिखा हुआ है, सबसे पहले मैं यहाँ पर उत्तम पुरुष को डिफाइन करना चाहूंगी। जो हमारी संस्कृत भाषा है वो आप ध्यान से सुनिएगा, जो हमारी संस्कृत भाषा है उसने हमेशा दूसरे को रिस्पेक्ट देना सिखाया है। यानी कि यहाँ पर ये जो संस्कृत भाषा है आप देखिए कितने अच्छे से, ये सबसे पहले हमें ये सिखाती है कि हम सबसे पहले जो व्यक्ति, अतिथि देवो भव आपने सुना है, यानी कि तीसरे व्यक्ति का सम्मान करना सबसे पहले सिखाया जाता है। यानी कि जो तीसरा व्यक्ति है, हम दो लोग हैं लेकिन एक तीसरा व्यक्ति जिसे हम नहीं जानते हैं या जिसे हम वह करके पुकार रहे हैं, तो वह सबसे पहले आएगा, ठीक है। यानी कि यह प्रथम पुरुष में आएगा, उसके बाद हम जिससे बात कर रहे हैं, जो हमें दिख रहा है, ठीक है, वह आएगा मध्यम पुरुष में, और फिर लास्ट में हम अपने आप को रखते हैं, यानी कि उत्तम पुरुष में रखते हैं, यानी कि हम सबसे अंतिम में, यानी कि मैं सबसे अंतिम में आता है। याद रखिएगा, जो तीसरा पुरुष होगा वह प्रथम पुरुष, जिस व्यक्ति की बात हो रही है जो हमारे सामने है वह होगा मध्यम पुरुष, और हम अपने आप को, मैं जो होता है वो सबसे नीचे आता है। तो इस तरीके से जो तीनों पुरुष होते हैं ये भी आपको समझ में आ गए हैं। तो दोस्तों चलिए अब यहाँ पर हम देखते हैं ट्रिक क्या है। देखिए एक वचन में ति ही आएगा, एक वचन प्रथम पुरुष में ति और द्विवचन में तह और बहुवचन प्रथम पुरुष में अंति आएगा। अभी आपको मैं इसको करके भी दिखाती हूँ। फिर मध्यम पुरुष में आप देखिए, मध्यम पुरुष एक वचन में सी आएगा, मध्यम पुरुष द्विवचन में थ आएगा, और इसके बाद देखिए मध्यम पुरुष बहुवचन में थ आएगा। इसके बाद फिर देखिए उत्तम पुरुष में क्या आता है, आमी। इसके बाद देखिए जो उत्तम पुरुष द्विवचन होता है वो क्या होता है, आव होता है, आवह होता है, और जो उत्तम पुरुष बहुवचन होता है उसमें आमा होता है। यही आपको याद रखना है। अब देखिए कैसे इसको आसानी से आप समझ सकते हैं। अब आप लोग इस फॉर्मूले को ध्यान से देखिए, एक वचन द्विवचन बहुवचन यहाँ पर लिखा हुआ है। अब आप देखिए यहाँ पर हम भू धातु को देख रहे हैं, किसको देख रहे हैं, भू धातु को। तो भू यानी कि भव, तो देखिए यहाँ पर हम क्या, खाली हमें भव लिखना है, ये हो गया भवति। फिर यहाँ पर भव लिखेंगे हम तो ये भवता हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम भवंती, यहाँ पर आप देखिए हमने क्या किया, भ व और अंति, भवंती हमने क्या किया, जो व था उसको आ में हमने मिला के लिखा, तो ये क्या हो गया, भवंती, यानी कि अंति आएगा लास्ट में। फिर यहाँ पर देखिए सी, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, भव सी। इसके बाद देखिए यहाँ पर भव थ, फिर भवथ। इसके बाद देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, भ व में आया तो ये भवा मी, भवामी। यहाँ पर देखिए भवावह क्या हो जाएगा, भवावह कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो आ है ये वा में समाहित हो गया, तो भवावह। फिर देखिए यहाँ पर हो जाएगा भवामह, वा में आ गया। तो इस तरीके से आप देखिए हमें केवल ये याद रखना है, ती तह अंति, सी थह थ, आमी आवह आमा। इसको आप बार बार याद करोगे तो आपको याद हो जाएगा। फिर से एक बार मैं रिपीट कर रही हूं कैसे आपको इस ट्रिक को याद रखना है, बहुत ही आसान है। लट लकार में कोई भी अगर आता है, कोई भी धातु आती है, तो आप इसी का प्रयोग करके इसको याद रख सकते हैं, इस पूरे फॉर्मूले को बहुत ही आसानी से आप याद रख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए फिर से एक बार हम इसको कोशिश करते हैं याद करने की। एक बार आपने याद कर लिया लग करके, तो फिर यह आपको बहुत ज्यादा काम आने वाला है, आगे संस्कृत विषय में आपको बहुत मदद मिलने वाली है, क्योंकि ये जो पूरा चैप्टर है ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए तिहि तह अंति, सी थह थ, आमी आवह आमा, आमी आवह आमा। अब आसानी से चलिए हम देखते हैं कैसे इसको हम झटके में पढ़ेंगे, ताकि हमको एक सुर में ये याद हो। भवति भवत, भवंती भवसि भवत, भवत भवामि भवावह भवाम, भवामि भवावह भवाम। अगर आपने केवल एक रूप याद कर लिया इसकी सहायता से, इसकी सहायता से एक रूप अगर आपने याद कर लिया, भवत याद कर लिया, तो इसी पर पठ भी चलेगा, लिख भी चलेगा, दृश्य भी चलेगा, गम भी चलेगा। जैसे कि पठ में अगर हम बात करें तो पठति पठता है पठंती, पठसि पठता है पठत, पठामी पठावा पठामा। ऐसे ही गम धातु में गच्छति गच्छता गच्छन्ति, गच्छसि गच्छता गच्छत, गच्छामी गच्छावा गच्छामा। इस तरीके से तो आपको ये समझ में आ गया होगा कैसे इसको हमने सीखा। अब हम यहाँ पर हमने वर्तमान काल यानी कि लट लकार की बात कर ली, पहला हमने लट लकार सीख लिया।
अब हम आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सूत्र समझ में आया होगा। अब जो लोट लकार है ये होता है आज्ञा के अर्थ में। तो इसमें देखिए, इसमें क्या क्या होता है, एक वचन में प्रथम पुरुष एक वचन में आपको तू या तात मिलेगा, लास्ट में द्विवचन में ताम तात ताम अंतु, बहुवचन में यानी कि प्रथम पुरुष बहुवचन में अंतु, फिर देखिए मध्यम पुरुष एक वचन में तात, फिर वही जो प्रथम पुरुष में था प्रथम पुरुष एक वचन में वही मध्यम पुरुष एक वचन में भी तात है, फिर देखिए तम, इसके बाद त, फिर उसके बाद देखिए उत्तम पुरुष में आनी आव आम। अब इसको हम बनाएंगे कैसे, देखिए यहां पर हमें क्या करना है, इस तरीके से अगर हम भू धातु ले रहे हैं तो यहां पर हम लिखेंगे भवतु, भव हमने लिखा यहां पर तू लगा है भवतु, इसी प्रकार यहां पर तात लिखा है तो ये भव तात, इस तरीके से यहां पर देखिए भव जोड़ेंगे तो भवताम हो जाएगा, यहां पे ये हो जाएगा भव, व में आ आएगा तो ये भवंतु हो जाएगा, अंतु लगेगा पीछे, इसके बाद यहां पर देखिए भवतात या भव, इसके बाद फिर यहां पर देखिए भवतम, भवतम हो गया, यहां पे देखिए आप भवत हो गया, फिर इसके बाद देखिए यहां पर भवानी, व में आ आ गया भवानी, भवाओ, भवाम, वाम, भवाम, भवानी, भवाओ, भवाम, कहीं पर भी आपको यहां पर हलंत नहीं मिलेगा, यानी कि ये जो लोट लकार है याद रखिएगा, इसमें कहीं पर भी आपको हलंत तो मिलेगा लेकिन कहीं भी आपको विसर्ग नहीं मिलेगा, यानी कि ये आपको कहीं नहीं, ये दो बिंदु आपको इसमें कहीं नहीं मिलेंगे, तो जो लोट लकार है इसमें कहीं भी आपको विसर्ग नहीं मिलेगा, याद रखिएगा। अब एक साथ हम इसको पढ़ेंगे कैसे, चलिए देखते हैं, भवतु भवताम भवंतु, उसके बाद देखिए आगे भव भवतात, चाहे आप भवतु लिखिए चाहे आप भवतात लिखिए, एक ही आपको एग्जाम में लिखना होगा, याद रखिएगा लोट लकार में, चाहे आप भवतु लिखिए प्रथम पुरुष एक वचन में और चाहे आप भवतात लिखिए, ठीक है। तो भवतु भवताम भवंतु, भवतु इसलिए आसान पड़ता है दोस्तों क्योंकि यहां पर आप देखिए भवतु आप पढ़ रहे हो, यहां पर आपको भवंतु मिल गया, क्या मिल गया, भवंतु मिल गया, और फिर यहां पर आपको भव मिल गया, उसके बाद भवतम भवत, इसके बाद देखिए भवानी भवाओ भवाम, तो इस तरीके से ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां पर आपको एक चीज और दिख रही है कि यहां पर देखिए उत्तम पुरुष द्विवचन में, उत्तम पुरुष द्विवचन में आपको व दिख रहा है पीछे और उत्तम पुरुष बहुवचन में आपको म दिख रहा है, तो ये जो व और म है ये सभी में आपको देखने को मिलेगा। उत्तम पुरुष आप देखिए, उत्तम पुरुष में जो बहुवचन है, उत्तम पुरुष में बहुवचन आप देखिए, उत्तम पुरुष द्विवचन और बहुवचन दोनों में, द्विवचन में व और बहुवचन में म आपको मिलेगा। इसके बाद हम फिर आगे बढ़ेंगे लंग लकार यानी कि भूतकाल में आएंगे हम, तो भूतकाल में देखिए त ताम अन सह तम अ अम आव आम, तो कैसे इसको हम याद रखेंगे, इस तरीके से देखिए, खाली हमें ये याद रखना है कि जो लंग लकार होता है इसमें अ जरूर आता है, अ जरूर आता है, अ हमें लगाना ही होता है, बाकी भवत आप देखोगे, भवताम देखोगे, भवन, इस तरीके से आपको मिलेगा लेकिन अ आपको लगाना है। तो देखिए इसका फॉर्मूला जो है यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर त के नीचे हलंत लगा लीजिए आप, और आप देखिए त ताम अन सह तम त अब आव आम, इसे हम याद कैसे करेंगे, अभवत अभवताम अभवन, ऐसे हम लिखेंगे यहां पर अभवत, आप देखिए कितनी आसानी से बन रहा है, यहां पर हम अभव ताम हो गया ये, यहां पर अभवन अ भ और ये अ व हो गया, तो यहां पर आप देखिए अभवन, उसके बाद आप देखिए फिर यहां पर अभव यानी कि विसर्ग खाली लगेगा, तो ये देखिए खाली विसर्ग लगेगा अभव, तो यहां पर ब के आगे विसर्ग आ जाएगा, फिर उसके बाद आप देखिए यहां पर सा से आप कंफ्यूज मत होइएगा, यहां पर विसर्ग आपको दिख रहा होगा, यही बस याद रखिएगा कि विसर्ग लग जाता है, फिर यहां पे तम तो अभवतम अभव तम, फिर यहां पे अभवत, इसके बाद यहां पर हलंत नहीं लगेगा, याद रखिएगा मध्यम पुरुष बहुवचन में हलंत नहीं लगेगा, याद रखिएगा आप लोग, इसके बाद देखिए उत्तम पुरुष में यहां पे अभवतम अभवाओ अभवाम, बहुत ही आसान है, अभवम
अभ ये व हो गया, ये अभवम, ये अभवाव, अभवाव और ये अभवाम, बस इस तरीके से बन गया आपका लंग लकार। तो अभवत अभवताम अभवन अभवा अभवतम अभवत अभवम अभवाव और अभवाम। इसके बाद अब हम देखेंगे लृट लकार यानी कि भविष्य काल। भविष्य काल में क्या होता है चलिए देखते हैं। भविष्य काल और वर्तमान काल ये दो सबसे इजीएस्ट काल है। कैसे आप देखिए, इष्यति इष्यतः इष्यन्ति, इष्यसि इष्यतः इष्यत, इश्यामि इश्यावा इश्यामा। अगर आपने लट लकार याद किया है, लट लकार अगर आपने याद किया है तो लिट लकार आपको अपने आप आएगा, अपने आप आएगा। याद रखिए कैसे, बस खाली ये जो आप शा देख रहे हो यही सा का खाली अंतर होता है, बाकी दोनों के दोनों में जो आप विसर्ग देख रहे हो ये विसर्ग बिंदी सेम होती है, यावा यामा ही आता है, मी ही आता है। तो यहाँ पर आप देखिए बहुत ही इजी है, इसमें इष्यति जुड़ता है जैसे कि भविष्यति, यहाँ पर आप देखिए भविष्यति हो गया, फिर यहाँ पर आप देखिए भविष्यता हो गया, यहाँ पर देखिए फिर यहाँ पर भविष्यन्ति हो गया, इष्यन्ति, फिर इसके बाद देखिए इष्यसि, इष्यसि भविष्यसि, इष्यथ भविष्यथ, इष्यथ भविष्यथ, फिर इष्यामि भविष्यामि, इष्यावः भविष्यावः, इष्यामः भविष्यामा। इस तरीके से आप देखिए कितना इजी है। तो लट लकार और लिट लकार ये दोनों आपको सभी के सभी बहुत ही इजी, इनमें आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। जहां विसर्ग है वहां विसर्ग है, जहां ती है जहां ता है, जहां अंति है सब वही है। तो लट लकार और लिट लकार यानी कि वर्तमान काल और भविष्य काल ये बहुत ही इजी है, आसानी से आप लोग इसको कभी भी कहीं भी याद कर सकते हो, जिस तरीके से मैंने ट्रिक के माध्यम से आपको याद करा दिया है। अब इसके बाद देखिए विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार में आपको क्या याद रखना है, विधिलिंग लकार का एक ही ट्रिक है, इसमें क्या आता है ए आता है। अगर ए आपको मिल गया, ए मतलब ए की मात्रा आपको मिलेगी ही, तो ए की मात्रा आपको जहां मिल जाएगी वहां आप समझ जाइएगा कि विधिलिंग लकार है, यही इसकी पहचान है। और लोट लकार में आपको आगे ही अ दिख जाएगा तो इसका मतलब ये लोट लकार है। तो चलिए हम विधिलिंग लकार का जो सूत्र है वो समझते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप देखिए एत एताम एयु, एतम एत, एयम एव एम, तो इस तरीके से आपको दिखने में नहीं समझ में आ रहा होगा, यहाँ पर आपको आसानी से समझ में आएगा। आप देखिए यहाँ पर हो जाएगा एत जुड़ेगा यानी कि भव में, ये हो जाएगा भवेत, ये हो जाएगा भवेताम, यहाँ पर क्या हो रहा है ए की मात्रा ही आ रही है, फिर यहाँ पर हो जाएगा भवेयुः, फिर यहाँ पर भवे ए की मात्रा और विसर्ग, फिर यहां पर भवेतम, यहां पर भवेत। दोस्तों यहां पर आप देखिए भवेत भवेताम भवेयु, यहां एत के नीचे हलंत है तो ता के नीचे भी हलंत आएगा, भवेत भवेताम भवेयु, भवे भवेतम भवेत, ए की मात्रा यहां पर इस तरीके से लग रही है, फिर यहां पर देखिए एयम है तो भवेयम, एव है तो भवेव, एम है तो भवेम हो गया। इस तरीके से यहां पर ये पूरा आप देखोगे विधिलिंग लकार चाहिए के अर्थ में होता है, तो यहां पर हो जाएगा भवेत भवेताम भवेयु, भवे भवेतम भवेत, भवेयम भवेव भवेम। तो यहां तक के नीचे हलंत है, आप ध्यान से इसको लिखिएगा, जब आप इसको लिखिएगा तो हलंत का खास ख्याल रखिएगा। तो इस तरीके से यहां पर आप लोगों ने क्या क्या सीखा एक बार मैं फिर से आपको बताती हूँ। जो लट लकार होती है इसमें किसी को कोई भी समस्या नहीं होती है। कैसे कोई समस्या नहीं होती है, जैसे कि मैंने शुरू में ही आपको बता दिया है कि भवति भवतः भवन्ति, भवसि भवतः भवत, भवामि भवावा भवामा। इसी प्रकार से हम पट धातु रूप चलाएंगे, इसी प्रकार से हम गम, अभी मैं सबको आप लोगों को बताऊंगी। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो जो लट लकार होता है इसमें कोई समस्या नहीं आती है, जो लट लकार होता है इसमें कोई समस्या नहीं आती। चलिए अब यहाँ पर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाती हूँ कैसे कोई समस्या नहीं आती है। यहाँ पर आप देखिए जो पट धातु है आपको दिख रहा है, पट धातु, पट मतलब पढ़ना होता है, तो यहाँ पर आप देखिए पठति पठत पठन्ति, पठसि पठत पठत, पठामि पठावः पठामः। तो इस तरीके से ये आपने पट धातु का देखा। अब आप यहाँ पर देखेंगे गम धातु, गच्छति गच्छत गच्छन्ति, गच्छसि गच्छत गच्छत, गच्छामि गच्छावः गच्छामः। इस तरीके से आपने देख लिया। अब यहाँ पर हम दृश्य मतलब देखना यानी कि पश्य, देखिए पश्यति पश्यत पश्यन्ति, पश्यसि पश्यथ पश्यत, पश्यामि पश्यावः पश्यामः। के बाद देखिए एक और देख लेते हैं हम लोग,
अस्था धातु यानी कि बैठना या तिष्ठ या ठहरना। तो देखिए तिष्ठति तिष्ठता तिष्ठन्ति तिष्ठसि तिष्ठता तिष्ठत फिर तिष्ठामि तिष्ठावा तिष्ठामा। इस तरीके से आपने देखा। अब यहाँ पर एक और है, इसको भी आप देख लीजिए। यहाँ पर प पिब धातु यानी कि पीना, जैसे पिबति पिबता पिबंती पिबसी पिबथा पिबत पिबामी पिबावा पिबामा। इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि जो लट लकार होता है वो कितना इजी होता है याद करने में। अब देखिए जो लिट लकार होता है इसमें क्या याद रखना, इसमें इश्य आता है, इश्य केवल इसी में आता है आपको पता है। और भविष्य काल भी बहुत ही इजी है। चलिए भविष्य काल को हम देखते हैं। तो हम यहाँ पर अब भविष्य काल को देखने चल रहे हैं, तो चलिए देखते हैं हम भविष्य काल में। हम यहाँ पर इसको हम कहते हैं लिट लकार, आपको पता है भविष्य काल लिट लकार होता है। तो चलिए हम देखते हैं लिट लकार में। देखिए पठिष्यति पठिष्यत पठिष्यन्ति पठिष्यसि पठिष्यथा पठिष्यत पठिष्यामि पठिष्याव पठिष्यामः, इस तरीके से आता है। यहाँ आप देखिए गम धातु यानी कि जाना, गच्छ या जाना, तो यहाँ पर गमिष्यति गमिष्यत गमिष्यन्ति गमिष्यसि गमिष्यथ गमिष्यत गमिष्यामि गमिष्याव गमिष्यामः। इस तरीके से आपको ये समझ में आ रहा होगा। याद रखना है आपको कि भविष्य काल जो लिट लकार होता है उसमें इश जरूर आता है। ये श आप देखते ही समझ जाओगे कि कौन सा काल है, भविष्य काल है। फिर विधिलिंग लकार चाहिए में क्या आता है, ए आता है। क्या आता है, ए आता है। तो विधिलिंग लकार यानी कि चाहिए, तो अगर आपको चाहिए याद है, चाहिए में क्या आता है, ए आता है। तो ए को देखते ही आपको समझ जाना है कि इसमें क्या आएगा, ए आएगा। तो विधिलिंग लकार में चाहिए के अर्थ में प्रयोग होता है, तो विधिलिंग लकार में ए आता है। याद रखिएगा, चाहिए जैसे आपको याद आएगा वैसे ही आपको याद आ जाएगा कि इसमें ए आता है। कैसे, यहाँ पर आप देखिए, यही तो आपने पढ़ा था विधिलिंग लकार चाहिए के अर्थ में। आप देखिए ए आया है, भवेत भवेताम भवेयु भवे भवेतम भवेत भवेयम भवेयो भवेम, सब में आपको एक ही मात्रा दिखाई देगी। ये शब्द कहीं भी अगर पूछता है किस लकार का है, तो आप देख के समझ जाओगे ये विधिलिंग लकार का है। अब इसके बाद दोस्तों आगे हम देखेंगे लंग लकार या भूतकाल। तो इसमें आ आता है, आगे आ आता है, भूतकाल में आगे आ आता है। इस तरीके से आप इसको ट्रिक के माध्यम से भी जोड़ के याद रख सकते हो कि भूत भूत आया भूत आया। इस तरीके से आप बार बार बोलोगे तो आपको याद होगा भूत आया। तो भूतकाल में आ आएगा, आ आएगा, आ नहीं आ आएगा, बस ये आपको याद रखना है। तो आ आता है, जितने भी शब्द आप देखोगे भूतकाल के आप उसमें आ ही पाओगे। यानी कि जिसे हम लंग लकार कहते हैं भूतकाल, लंग लकार में आपको आ ही मिलेगा। आप देखिए यहाँ पर, आप देखिए ये लंग लकार आपको भूतकाल दिख रहा है, भूत आया मतलब अपठत अपठताम अपठन अपठा अपठतम अपठत अपठम अपठाव अपठाम, सब जगह आपको आ दिख रहा है। अगर कहीं से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है किस लकार का है, तो बहुत आसानी से आप बता दोगे कि किस लकार का है। और वचन और पुरुष कैसे याद करना है ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। इसके अलावा और भी लकार हम देख लेते हैं यहाँ पर। यहाँ पर देखिए गम धातु में, यहाँ पर देखिए अगच्छत अगच्छताम अगच्छन अगच्छ अगच्छतम अगच्छत अगच्छम अगच्छाव अगच्छाम, इस तरीके से। अब हम आगे बढ़ेंगे, इसके बाद देखेंगे लोट लकार। लोट लकार जो रूप किसी और लकार में नहीं होता है वही इसमें होता है। यानी कि जब आप ये चारों के चारों किसी में नहीं पाओगे, तब आप समझोगे कि वो क्या है। चारों के चारों आप देखोगे कि जो एग्जाम्पल आया है उसमें इन चारों में से कोई भी मैच नहीं कर रहा, तो आप समझ जाओगे कि वह कौन सा है, लोट लकार है। लोट लकार जो कि आज्ञा के अर्थ में होता है। तो चलिए हम देख लेते हैं इसको भी। तो यहाँ पर आप देखिए जो लोट लकार है वो इस तरीके से आपको गच्छतु तात आपको ध्यान देना है, तात ताम तम। तो देखिए गच्छतु यहाँ पर मैंने आपको बताया गच्छतु यहाँ पर है, तो यहाँ गच्छन्तु हो गया, यानी कि यहाँ पर तू की तू के आगे न आधा न आ गया। तो इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो, तात आता है, दोनों में आता है, प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष में भी आता है और एक वचन में ही आता है। इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो दोस्तों। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पर देखिए सभी लकारों में जो द्विवचन और बहुवचन में उत्तम पुरुष जो होता है उसमें व और म ही आता है। इसको आप कैसे समझोगे, चलिए इसको मैं आपको समझाती हूँ कैसे आप इसको समझोगे। यहाँ पर आप पट धातु को ध्यान से देखिए। पट धातु में जो प्रथम मध्यम, सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में जो द्विवचन है और जो बहुवचन है, इसका जो द्विवचन है उसमें क्या आ रहा है, व आ रहा है लास्ट में, और बहुवचन में क्या आ रहा है, म आ रहा है। आप सब सभी में देखते जाइए। लिट लकार में आप देखिए उत्तम पुरुष में द्विवचन में देखिए व आ रहा है
और बहुवचन में क्या आ रहा है, मा आ रहा है, यहाँ पर भी वा आ रहा है, मा आ रहा है। फिर हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर देखेंगे लोट लकार में, हम देखेंगे लोट लकार में भी, देखिए उत्तम पुरुष में, उत्तम पुरुष में आप देखिए यहाँ पर देखिए वा आ रहा है, द्विवचन में वा आ रहा है, फिर बहुवचन में भी क्या आ रहा है, मा आ रहा है। तो इस तरीके से वा और मा, फिर यहाँ पर आप देखिए लंग लकार भूतकाल में भी आप देखिए वा और मा ही आ रहा है, यहाँ पर आप देखिए वा और मा आ रहा है। उत्तम पुरुष द्विवचन और उत्तम पुरुष द्विवचन में वा और उत्तम पुरुष बहुवचन में मा आ रहा है। फिर विधिलिंग में हम देखेंगे तो विधिलिंग में भी आप देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर देखिए जो उत्तम पुरुष का उत्तम पुरुष द्विवचन है यहाँ पर भी वा आ रहा है लास्ट में, और यहाँ पर देखिए उत्तम पुरुष बहुवचन में क्या आ रहा है, मा आ रहा है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो वा और मा है ये सभी में आते हैं, वा और मा जो है ये सभी में आते हैं, सभी के द्विवचन और बहुवचन में, द्विवचन में वा और बहुवचन में मा आते हैं। तो इतनी सारी ट्रिक मैंने आप लोगों को समझा दी है, आप लोग उम्मीद करती हूँ कि आज जो मैंने आपको ट्रिक बताई है वो भी आपको समझ में आई होगी, और आसानी से आप सिर्फ इन ट्रिक्स को याद करके अपने एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं इस चैप्टर में। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी, अगर ये वीडियो समझ में आई है तो अपने कॉलेज फ्रेंड्स को जरूर शेयर करिएगा ताकि अधिक से अधिक प्रशिक्षु तक ये वीडियोस पहुंचे और अधिक से अधिक हमारे डीएलएड के भाई बहन हमसे जुड़ करके इन सभी वीडियोस का लाभ ले सकें। एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप लोग के पास समय से जाए और आप बिना मिस किए इन सभी वीडियोस को देखते रहें। यहाँ आई बटन पर क्लिक करके आपको सभी वीडियोस की लिंक मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी सभी वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। आपके सभी विषयों को पढ़ाया जा रहा है, फर्स्ट पेपर सच्ची मूल्यांकन पूरा पढ़ा के मैंने इसी तरीके से खत्म किया है हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से, सेकंड पेपर आपको पता ही है समावेशी शिक्षा भी इसी प्रकार पढ़ाया है, साइंस भी ऐसे ही लिख के पढ़ाया है और संस्कृत भी इसी तरीके से मैं पढ़ा रही हूँ। तो आप लोग की तैयारी बेहतर हो इसके लिए हमारा पूरा प्रयास है, तो आप लोग भी वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें अपने कॉलेज के ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में। इसके अलावा वीडियो को लाइक और कमेंट करना दोस्तों प्लीज मत भूला करिए, आप लोग के लाइक और आप कमेंट्स ही में बताते हैं कि आप लोगों को कितना तरीके कितना सही तरीके से सारा चीज समझ में आ रहा है और कितना अच्छा प्रोग्रेस हम कर रहे हैं। तो आप लोग प्लीज कमेंट करते रहा करिए ताकि हम लोग भी मोटिवेट होते रहें आपके कमेंट से और लगातार आप लोग के लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर के आते रहें। तो एक बार फिर से आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इन सभी की पीडीएफ चाहिए सभी विषयों की तो आपको ज्वाइन बटन पर क्लिक करके ज्वाइन करना होगा ताकि आप लोग सभी वीडियोस की पीडीएफ को प्राप्त कर पाए और व्यक्तिगत रूप से किसी भी समस्या का भी समाधान हमसे प्राप्त कर पाए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, आप लोग अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल से बने रहिएगा।